कंगना रनावत जिसको बहुत समझाया गया लेकिन उस समझ नहीं आया, जो हेट स्पीच कर रही थी, कम्युनल डिसहार्मनी फैला रही थी, कभी किसानों को अत्तवादी दस रही थी, कभी साड़ियां मावां को बिकाऊ। कंगना रनावत को असी बड़ा समझाया पर उन्हें समझ नहीं आया। हुण समझावांगे भी, कानून के रस्ते समझावांगे और मुकदमा दर्ज करा के अंदर तक लेके जावांगे ताकि आने वाले समय के अंदर कोई इन्नी जरूरत ना कर सके। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इस लड़ाई में लड़ रही है और यकीनी बनाएगी कि कोई साढ़े खिलाफ जरूरत ना कर सके इस तरह बोलने की। ऐसा सबक सिखावांगे। खेती कानूनों नूं लै के दिल्ली विखे किसानां वल्लों कीते जा रहे संघर्ष दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत वल्लों कई टिप्पणियां कीतियां गईयां सी, जिस दे चलदियां मनजिंदर सिंह सिरसा वल्लों दिल्ली पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना करन ते कोर्ट विच केस दर्ज कीता गया सी। ते अज उन्हां लाइव होके इस केस विच हुई वड्डी जित दा ऐलान कीता है। उन्हां दस्सिया है कि दिल्ली पुलिस ने हुण तक कंगना खिलाफ की कार्रवाई कीती है। कोर्ट ने इस बारे दिल्ली पुलिस तों जानकारी मंगी है ते 24 अप्रैल का समां दिता है। कंगना रनावत जिसनों बहुत समझाया गया लेकिन उस समझ नहीं आया, जो हेट स्पीच कर रही थी, कम्युनल डिसहार्मनी फैला रही थी, कभी किसानों अत्तवादी दस रही थी, कभी साड़िया मावां नूं विकाऊ, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन जो मुकदमा दर्ज कराने वास्ते किया और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, वो असी केस कोर्ट पाया सी। अज बहुत वड्डी जित मिली, राहत मिली। जेडे मैट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट आ उन्होंने की कंगना रनावत के खिलाफ एक्शन लिया हुण तक, उसकी जानकारी नॉर्थ वेन्यू पुलिस तो दिल्ली पुलिस तो मंगी आ और 24 अप्रैल तक का टाइम दिता है। सो मैं धन्यवाद करदा सारे अपने एडवोकेट साहिबाना का, राज कमल जी का, कर्तव्य बत्रा जी का, असीम अटवाल साहब का और सारे उन्होंने लोगों का जिहड़ा साडी लड़ाई साथ दे रहे हैं। कंगना रनावत को असी बड़ा समझाया पर उन्हें समझ नहीं आया। हुण समझावांगे भी, कानून के रस्ते समझावांगे और मुकदमा दर्ज करा के अंदर तक लैके जावांगे ताकि आने वाले समय के अंदर कोई इन्नी जरूरत ना कर सके। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इस लड़ाई में लड़ रही है और यकीनी बनाएगी कि कोई साढ़े खिलाफ जरूरत ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रंगला टीवी।